हेलो व्यूअर्स, वेलकम। आज हम पढ़ेंगे एक नॉवेल। नॉवेल का नाम है आइस कैंडी मैन और इसे लिखा है बापसी सिद्धवा ने। बापसी सिद्धवा एक पाकिस्तानी वुमेन राइटर हैं और बहुत ही फेमस हैं और ये फिलहाल ह्यूस्टन में रहती हैं। आइस कैंडी मैन बापसी सिद्धवा की जो नॉवेल है ये पहली बार पब्लिश हुई थी 1988 में इसे आइस कैंडी मैन, और बाद में इसे 1991 में यूएसए में पब्लिश कराया गया था। तब इसका नाम था क्रैकिंग इंडिया। नाम चेंज हो गया था क्योंकि अमेरिकन पब्लिशर ने कहा कि इस नाम को मिसअंडरस्टैंड कर लिया जाएगा कि ये ड्रग रिलेटेड नावल है, इसलिए आपको चेंज करना चाहिए नाम। तो नाम चेंज कर दिया गया और क्रैकिंग इंडिया रखा गया, जो कि इसका एप्ट टाइटल लगता है क्योंकि ये पार्टीशन ऑफ इंडिया की कहानी है, इंडिया के पार्टीशन की कहानी है। 5 नवंबर 2019 को बीबीसी न्यूज़ एजेंसी ने आइस कैंडी मैन को 100 सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल नॉवेल्स की सूची में डाला। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवेल है और ये इस नॉवेल को इंडियन यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है कई जगह, और अमेरिका में बहुत यूनिवर्सिटी में ये कोर्स में शामिल है। यह कहानी बयां करती है बंटवारे के दौरान आम लोगों ने कितने कष्ट सहे, कितने परेशानियों को झेला, और स्पेशली महिलाएं बच्चे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। कैसे सदियों से एक दूसरे के साथ चैन से रह रहे लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, एक दूसरे के दुश्मन बन गए। ये सारी बातें कहानी बहुत ही अच्छी तरीके से बताती है। नॉवेल पार्टीशन के पहले के लाहौर में सेट है और लेनी एक 8 साल की बच्ची है। वो पोलियो से पीड़ित है, उसे पोलियो है, और वो घटनाओं का वर्णन करती है कि पार्टीशन के पहले क्या था और उस दौरान क्या हुआ, क्योंकि वो लाहौर में रहती है। और यह नावल ये पहला नावल है जहाँ पर एक वुमेन राइटर वापसी सिद्धवा पार्टीशन के दौरान पाकिस्तान में जो क्या कंडीशन थी इसके बारे में हमको बता रही है। इसके पहले हमने कई नॉवेल्स पढ़े होंगे जिसमें हम इंडिया के सिचुएशन के बारे में जानते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम हम इसमें हम पाकिस्तान के सिचुएशन के बारे में जानते हैं जो वापसी सिद्धवा ने लिखा है। आइस कैंडी मैन की शुरुआत उर्दू के शायर मोहम्मद इकबाल की पोयम कंप्लेन टू गॉड से होती है। उनका कोटेशन है इसमें, जिसमें जिसकी शुरुआत वापसी सिद्धवा करती है इसमें, और जिसमें शायर इकबाल खुदा से फरियाद करता है, दुआ करता है। उसके बाद एक 8 साल की बच्ची लेनी का इंट्रोडक्शन कराया जाता है। लेनी एक स्मार्ट लड़की है, वो पोलियो से पीड़ित है, उसका परिवार हाई क्लास बिलोंग करता है, उच्च मध्यम वर्ग परिवार में बिलोंग करती है वो, और लाहौर के एक अमीर इलाके पॉश इलाके में वो रहती है। लेनी इंट्रोवर्ट है, अंतर्मुखी लड़की है और वो ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन आसपास की चीज़ों को बहुत ही गौर से देखती है, बहुत ही अच्छे से देखती है वो। लेनी सेठी है, उसका जो सरनेम है वो सेठी है, और जो उस शहर में जहाँ वो रहती है लाहौर, वहाँ बहुत सारे लोग मुसलमान लोग रहते हैं, मुसलमान आबादी ज़्यादा है, लेकिन हिंदू भी हैं, सिख भी हैं कुछ, और बहुत कम संख्या में पारसी भी हैं। और पारसी ये जो रिलीजन है जिससे ये लेनी बिलोंग करती है। कहानी अलग अलग रिलीजियस बैकग्राउंड के बारे में बताती है, उनके लोगों के इर्द गिर्द घूमती है, मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, पारसी है, और भारतीय उपमहाद्वीप के होने वाले विभाजन के अफवाहों से भरी पड़ी है। जब उस समय पार्टीशन नहीं हुआ था उसके पहले से ये कहानी शुरू होती है। अब इसमें बताया गया है कि कैसे लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, उन लोग सोच रहे थे कि क्या होने वाला है, अब ये जो उनका जो भाईचारा है ख़त्म हो जाएगा, इस तरह से बहुत ज़्यादा टेंशन का माहौल था। और जैसे जैसे पार्टीशन की ओर इंडिया बढ़ रहा था, वैसे वैसे जो सदियों से चला आ रहा भाईचारा ख़त्म हो रहा था। लोग अपनी धार्मिक पहचान को ज़्यादा आगे रख रहे थे और राष्ट्रीय पहचान जो नेशनल आइडेंटिटी उसको भूल रहे थे, तो ऐसा सब हो रहा था। अब चूंकि लेनी का जो फैमिली है वो पारसी कम्युनिटी को बिलोंग करता है, और पारसी कम्युनिटी एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है जो कि इंडिया में है, और तो ये इस घटना को उसने बहुत ही ऑब्जेक्टिव तरीके से, बहुत ही निष्पक्ष तरीके से बताया है और बहुत ही निष्पक्ष तरीके से प्रेजेंट किया है। ये जो राइटर है वापसी सिद्धवा वो भी पारसी कम्युनिटी को बिलोंग करती है, तो इसका जो प्रेजेंटेशन है काफ़ी ऑब्जेक्टिव है उसकी। अब लेनी की जो फैमिली के बारे में बताया गया है, लेनी की फैमिली बहुत ही छोटी फैमिली है, उसके फैमिली में उसके मम्मी पापा और भाई आदि हैं, और उसकी मम्मी है ये देखिए मिसेस सेठी, उसके फादर हैं मिस्टर सेठी, और उसका एक छोटा भाई है आदि।
इसके अलावा उसकी बिजली आंटी है, इलेक्ट्रिक आंट जिसे कहा जाता है, और एक कज़न है उसका जो बेटा है, और एक गॉड मदर है जिसे लेनी बहुत ज़्यादा प्यार करती है। ये गॉड मदर इसकी वो ग्रैंड मदर है, रिलेटिव है वो। और इसके अलावा सबसे उसकी फेवरेट है आया, लेनी की एक नैनी है आया, और लेनी उन लोगों का देखभाल करती है, उसका देखभाल करती है, उसके भाई का देखभाल करती है। लेनी आया से खूब प्यार करती है, इन दोनों की आपस में खूब अच्छी बॉन्डिंग है। अब जो एक रसोईया है, एक इमाम दिन उसका कुक है। अब लेनी जो है बहुत ही अमीर है, बहुत ही पॉश इलाके में रहती है, उसके फादर बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, तो इनके पास सर्वेंट की लंबी लिस्ट है। तो इनके पास इनका कुक है इमाम दीन जो मुस्लिम है, और एक माली है, गार्डनर है जिसका नाम मोती है, और सफाई कर्मचारी हैं, स्वीपर्स हैं, और बहुत सारे लोग हैं, और मतलब एक घरेलू नौकर की पूरी लंबी लिस्ट है। अब जो लिटिल लेनी है, इसकी जो दुनिया है लाहौर के वारिस रोड में जहाँ उसका घर है वहीं तक सीमित है, और ये ज़्यादा जाती नहीं है बाहर क्योंकि ये पोलियो से पीड़ित है, तो इसकी वजह से हमेशा इसका ट्रीटमेंट चलते रहता है डॉक्टर से। और इसके डॉक्टर का नाम है कर्नल बरूचा, जो कर्नल बरूचा भी एक पारसी फैमिली को बिलोंग करता है। और जो लेनी की जो 8 साल की हिंदू आया है, और हिंदू आया जो है बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, और ये इसके साथ जेल रोड में एक गॉड मदर जो उसकी रहती है उससे वो मिलने जाती है अक्सर। कभी कभी ये इसको जू भी ले जाती है, पार्क भी ले जाती है। तो लेनी को अपनी गॉड मदर के घर जाने में बहुत अच्छा लगता है, और वहाँ उसकी वो छोटी बहन से भी मिलती है। उसकी छोटी बहन को स्लेव सिस्टर के नाम से जाना जाता है क्योंकि जो गॉड मदर है उससे स्लेव की तरह बर्ताव करती है, एक नौकर की तरह बर्ताव करती है, गुलाम की तरह। उन दोनों के बीच में अक्सर बहस चलती रहती है, उस बहस को बहुत ज़्यादा इंजॉय करती है लेनी। लेनी बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेंट लड़की है, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करती है वो। और लेनी की आया है बहुत ही सुंदर है, चॉकलेट कलर की है, ज़्यादा लंबी नहीं है, छोटी नाटी है वो, और उसके उसके जो ब्यूटी से बहुत ज़्यादा लोग अट्रैक्टेड होते हैं, सेडक्टिव अपीयरेंस है उसका। लेनी पोलियो के कारण थोड़ा लंगड़ा के चलती है, लेकिन वो ठीक नहीं होना चाहती, और उसकी जो ये डिफॉर्मिटी है, जो विकृति है, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि इस वजह से वो लोगों की तुलना में, बाकी बच्चों की तुलना में उसको काफ़ी बेनिफिट मिलता है। लोग उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और अटेंशन देते हैं, उसके रिलेटिव, उसके मम्मी पापा। अब उसके लिए सबसे अच्छी बात तो ये थी कि उसको रेगुलर स्कूल जाना नहीं पड़ता था क्योंकि जो उसके जो डॉक्टर थे कर्नल बरूचा, जो काफ़ी उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे, काफ़ी सर्जरियों से वो गुजरी थी, तो उसने कहा था कि उसे आगे चल के कोई प्रोफेसर तो बनना नहीं है, कोई ऑफिसर तो बनना नहीं है, तो अच्छा है कि उसकी पढ़ाई जो है घर में की जाए। तो एक एंग्लो इंडियन थी लेडी जो उसको उस पढ़ाने आती थी, घर में उसकी पढ़ाई होती थी, और फिर बाकी टाइम पूरा टाइम ये खेलते रहती थी, अपनी आया के साथ घूमती रहती थी। तो इस तरह से इसकी कंडीशन है। अब जो लेनी है इस अपनी पोलियो वाली कंडीशन का बहुत फ़ायदा उठाती है, इसकी वजह से उसको एक्स्ट्रा लव और एक्स्ट्रा अटेंशन मिलता है, और इस सिचुएशन का वो पूरा यूज़ करती है, और इसकी वजह से जिसको उसका भाई है आदि, उसे उतना अधिक प्यार नहीं मिलता जितना लेनी को मिलता है। और जो कुछ लोग कुछ बड़े बच्चे होते हैं जो लोगों को धमकाते हैं, खासकर छोटे बच्चों को, ये सबसे उसको नहीं गुजरना पड़ता है। लेकिन उसके जो पेरेंट्स हैं मिस्टर एंड मिसेस सेठी, बहुत ज़्यादा उसके अनिश्चित भविष्य से चिंतित हैं कि पता नहीं हमारी बेटी का क्या होगा, इस तरह से वो सोचते हैं। और लेनी की कई सारी फीमेल रिलेटिव हैं, उसकी आंट हैं, उसकी गॉड मदर है। अब इस नावल में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन आया जो है, आया लेनी की जो आया है उससे सबसे ज़्यादा लेनी क्लोज है, ये जो लेनी की आया है। अब उन दिनों जो उन दोनों की जो बॉन्डिंग है बहुत ही ज़बरदस्त है। आया एक हिंदू लेडी है और आया एक सर्वेंट है, इसलिए जो उसका जो ग्रुप है, उसका जो सर्कल है, वो मजदूर वर्ग का है, वर्किंग क्लास पीपल का है। और आया की वजह से लेनी लाहौर के गरीब लोगों से, मजदूर लोगों के साथ मिलती जुलती है, उनके साथ जाती है पार्क में और बैठती है। और जो आया के जो एडमायरर्स हैं, जो उसके चाहने वाले हैं, उसकी सुंदरता से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। यहाँ तक कि जो जो शॉपकीपर हैं, जो जू वाला है, जो मालिश वाला है, चाकू तीखे करने वाला, सभी उसके ब्यूटी के दीवाने हैं। और इनमें से सबसे ज़्यादा दीवाना एक है, वो है आइस कैंडी मैन, वो कुल्फ़ी वाला है। आइस कैंडी मैन का रोल आमिर खान ने किया है।
ये इस नावल पे एक बहुत ही फेमस मूवी बनी है 1947 अर्थ। इसमें आमिर खान ने इस आइस मैन कैंडी मैन का रोल किया है। तो ये जो आइस कैंडी मैन, इसका नाम दिल नवाज है और ये आया को बहुत ज़्यादा चाहता है। आया लेकिन मसूर से ज़्यादा प्यार करती है। मसूर है, मसूर एक मसाज मैन है जिसको आया बहुत ज़्यादा प्यार करती है और मसूर भी उसको प्यार करता है। तो इस तरह से आया का जो सर्कल है ये लंबा चौड़ा सर्कल है। यहाँ पर आइस कैंडी मैन है, यहाँ मसूर है और आया मसाज करने वाले से प्यार करती है। और इस ग्रुप में मुस्लिम है, सिख है, हिंदू है, सभी कम्युनिटी को बिलोंग करने वाले लोग हैं। लेनी को उन तरह तरह के धर्मों के बारे में और कल्चर्स के बारे में जानने का मौका मिलता है आया की वजह से ही। और वो देखती है कि कैसे पार्टीशन में सब कुछ चेंज हो रहा है। पार्टीशन के पहले क्या था और पार्टीशन के बाद क्या हो रहा था। अब आया शाम को लेनी को पार्क में लेके जाती है और जो उसके एडमायरर्स उसको घेर लेते हैं, जो उसके जो आया के एडमायरर्स रहते हैं वो लेनी को भी काफ़ी पैम्पर करते हैं, काफ़ी चाहते हैं, क्योंकि जो लेनी का ख्याल आया रखती है और आया का ख्याल उन लोग रखते हैं। तो वे सभी उसका ध्यान रखते हैं, उसका अटेंशन पाना चाहते हैं, आया का एक झलक पाने के लिए तरसते रहते हैं, उसकी सेडक्टिव ब्यूटी, उसके सेक्शुअल अट्रैक्शन के सब घायल रहते हैं। आया की लव लाइफ के बारे में जानकर लेनी को सेक्सुअलिटी से इंट्रोडक्शन होता है। वो जानती है कि कैसे जो वुमेन हो की सेक्सुअल पावर होती है, कैसे इस सेक्सुअल पावर के जो मैन दीवाने होते हैं। और बाद में उसे पता चलता है कि एक मैन की क्या पावर होती है, एक मैन कैसे वुमेन को कंट्रोल करता है, कैसे उसे उसके साथ ज्यादती करता है, उसकी लाइफ को बदतर बना देता है। ये भी वो जानती है बाद में नावल के अदर पार्ट में। तो आया के साथ वो पूरे शहर में घूमती है और उनके फ्रेंड्स से मिलती है जो पार्क में इकट्ठा होते हैं। जू में भी जाती है आया, एक जू कीपर भी है, जू में का एक अटेंडेंट भी है, वो भी इस ग्रुप में शामिल है, वो भी आया को बहुत चाहता है। अब ये सभी लोग जो लेनी को काफ़ी प्यार दुलार करते हैं। मालिश वाला कभी कभी उसकी मालिश कर देता है, आइस कैंडी मैन उसे आइस कैंडी देता है, पॉप्सिकल्स देता है, कुल्फी देता है और उसको बहुत ही ज़्यादा घुमाता फिराता है। और ये जो आइस कैंडी मैन है काफ़ी ज़्यादा वर्सेटाइल काइंड ऑफ पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा कहना चाहिए बहुरूपिया है। और वो अलग अलग बिजनेस करता है। वो गर्मियों के दिनों में तो आइस कैंडी मैन बन जाता है, वो पॉप्सिकल बेचता है, और सर्दियों के दिन में तो आइसक्रीम नहीं बिकती तो वो बर्ड मैन बन जाता है, चिड़िया बेचने वाला बन जाता है। वो पैसे के लिए चिड़ियों को और तोतों को कैद रखता है और फिर उनको बेचता भी है। फिर लोग जब इकट्ठा होते हैं उसके आसपास तो वो कहता है कि इनको मैं आज़ाद कर दूंगा अगर आप पैसे देंगे। इस तरह से पैसे कमाता है वो। और कभी कभी कस्टमर पाने के लिए वो नाटक करता है, वो बहुत एक्टिंग करता है कि वो चिड़िया से गुस्सा हो रहा है, उसको कहता है चिड़िया मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा, इस तरह से धमकी देता है अपना, वो उस तरह निकाल लेता है। और जो उसके आसपास जो जो स्पेशली जो इंग्लिश वुमेन इकट्ठा हुए रहती हैं उसके झांसे में आ जाती हैं और वो कहती हैं प्लीज़ 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 इस बर्ड को मत मारो और इसके बदले पैसे ले लो। इस तरह से वो पैसे ऐंठता है लोगों से। और इस तरह का वो अलग ही तरह का पर्सनालिटी है। कभी कभी वो एक टेलीफोन पकड़ लेता है और वो कहता है कि मैं तुम लोगों की बात डायरेक्ट ऊपर वाले से कराता हूँ, इस तरह से करता है वो। और काफ़ी फनी टाइप का इंसान रहता है, काफ़ी हैप्पी गो लकी, बहुत ही खुशमिजाज इंसान रहता है वो। और वो अक्सर आया के साथ बहुत फ्लर्ट करता है, लेनी इसको देखती है, वो आया इसके साथ फुटीज फुटीज खेलता है। और अब लेनी इतनी ऑब्जर्वेंट लड़की है कि यहाँ तक कि वो अपने पेरेंट्स के लव लाइफ को भी आप बहुत जल्द मतलब केयरफुली ऑब्जर्व करती है। लेनी अपने आसपास होने वाली सिचुएशन को, घटना को एकदम कीनली ऑब्जर्व करती है, बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व करती है। लेनी का एक कज़न है जो कि इलेक्ट्रिक आंट, उसकी बिजली आंटी का बेटा है, उससे काफ़ी वो अटैच्ड है और उसके साथ उसकी कभी कभी रोमांटिक रिलेशनशिप रहती है, उसको काफ़ी इंटरेस्ट है उसमें, उसको अच्छा लगता है वो। और वो सोचती है कि आगे चल के मेरी शादी इसी से होने वाली है। वो भी पारसी रहता है, लेनी भी पारसी रहती है। अब
हालांकि कजिन उससे थोड़ा बड़ा है और उसे कभी कभी कोशिश करता है लेनी को इधर उधर टच करने की कोशिश करता है, जिससे लेनी उसे ढकेल देती है और उसको वो बढ़ावा नहीं देती है। उसके कहती है वो, ठीक है तुम्हारी शादी मेरे से होने वाली है लेकिन अभी शादी हुई तो नहीं है। फिर कजिन के साथ ये सारी बातचीत से उसको पता चलता है कि सेक्सुअलिटी क्या होती है। तो एक तरह से ये जो नॉवेल है एक छोटी सी बच्ची के एजुकेशन की भी, मतलब नॉलेज गेन करने की भी नॉवेल है कि किस तरह से वो आसपास की चीज़ों को सीखती है। अब ये इस शहर में जहाँ ये नॉवेल बेस्ड है लाहौर के चारों तरफ के लोगों को नोटिस करती है, उनके बिहेवियर को नोटिस करती है। अब इस नॉवेल का जो पूरा का पूरा जो बैकग्राउंड है वो पार्टीशन का बैकग्राउंड है, पूरा पार्टीशन पे बेस्ड है। ये नॉवेल काफ़ी हद तक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल कहा गया है, मतलब जो वापसी सिद्धवा की लाइफ से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है नॉवेल। वापसी सिद्धवा 8 ईयर्स की छोटी बच्ची थी जब पार्टीशन हुआ था, उसने खुद अपनी आंखों से देखा था, तो उसने अपनी लाइफ के बहुत सारे इंसिडेंट्स को इस नॉवेल में शामिल किया है। भारतीय उपमहाद्वीप पूरी तरह से चेंज होने वाला है, पूरी तरह से टूटने के लिए तैयार है। लोग अपने अपने धर्म का ढिंढोरा पीट रहे हैं और भले ही का बेईमान और जो सेल्फिश काइंड ऑफ पर्सन जो नेता होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, वो लोगों को ये कहने को कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, तुम लोग के साथ कोई परेशानी नहीं होगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन लोग डरे हुए हैं, लोग सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या अनहोनी होने वाली है। और इस बीच में बाकी जो रिलीजन है किसी न किसी अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन जो पारसी रिलीजन है, पारसी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो काफ़ी न्यूट्रल हैं, तटस्थ हैं, क्योंकि बहुत ही कम संख्या में हैं और वो बहुत ही माइनॉरिटी हैं। वो उनके जो लीडर हैं, उनका जो लीडर है वो लेनी का डॉक्टर है, कर्नल बरूचा। अक्सर वो फायर टेम्पल में मीटिंग करता है और कहता है कि तुमको इन दोनों के झगड़ों में नहीं पड़ना है, तुमको हिंदू मुस्लिम के झगड़े में नहीं पड़ना है, नहीं तो तुम लोग चटनी बन जाओगे, तुम लोग ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, तुमको किसी के साथ तो जाए, कोई कम्युनिटी राज करे तुमको उसके साथ हो जाना है, उसके साथ मिल जाना है, ऐसा वो एडवाइस दे रहा है इस तरह से। अब वो कहता है कि तुमको शिकारियों के साथ हंट करना है और खरगोशों के साथ दौड़ना है। फिर चारों तरफ जो फैली जो धार्मिक मैडनेस है, पागलपन है, ये सबसे जो कम्युनिटी है, अकेला कम्युनिटी है जो कि अछूता रह जाता है, जो कि पूरी तरह से प्रभावित नहीं होता। अब लेनी की मदर है मिसेस सेठी और इलेक्ट्रिक आंट, बिजली आंटी और गॉड मदर रोदाबाई, ये सब जो कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। और ये इस इनफैक्ट क्या होता है कि जब चारों तरफ जो पार्टीशन का जो मेहम चलता है, जो अत्याचार चलता है, तब उस दौरान इन लोग लोगों की मदद करते हैं, स्पेशली बच्चों की मदद करते हैं, विमेन की मदद करते हैं, हर हाल में उनकी मदद करते हैं और एक एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल सेट करते हैं। अब जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, ऐतिहासिक घटनाएं हैं, ये सारी जो हो रही हैं लेनी के आसपास, इससे लेनी के जो पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, उसकी जो लाइफ प्रभावित हो रही है। लेनी अक्सर डिस्कशन करती है अपनी आया से कि पता नहीं क्या होगा, और आसपास के लोग काफ़ी डरे हुए हैं, और पारसी मंदिरों में वो डिस्कस करते हैं कि पॉलिटिकल सिचुएशन क्या होने वाला है। जब नावल शुरू होता है तो खबर आती है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया है और भारत जो पहले एक ब्रिटिश उपनिवेश था, कॉलोनी था, अब वो भारत भारत है जो इंग्लैंड के साथ में जर्मनी और इटली से युद्ध कर रहा था, जो कि मित्र राष्ट्र कहे जाते हैं इस तरह से। लेकिन अभी युद्ध का एंड हो गया है और इस बीच क्या हुआ है कि ऑल इंडिया रेडियो में न्यूज़ आती है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो चुका है और ये साल है 1944 का। अब लोग चिल्लाते हैं हम जीत गए, हम जीत गए, युद्ध था जो एंड हो गया, क्योंकि इंग्लैंड और इसके जो बाकी जो एलाइज थे वो जीत गए थे। लेकिन लेनी देखती है सब कुछ, बहुत ही सीक्रेटली सब चीज़ देखती है, लेकिन वो चूंकि बहुत ही पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है तो वो चाहती थी कि जापानी जीते, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस का वो काफ़ी भाषण सुनी थी रेडियो में, तो उसको लगता था कि ये दूसरा पक्ष जीतना चाहिए था। इस तरह से पूरे लीडर्स जो हैं, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना जैसे जो इंडियन लीडर्स हैं और ब्रिटिश और से उन लोग भारत को स्वतंत्र कराना चाहते हैं, इस तरह से वो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं।
और गांधी एक बार लाहौर भी आते हैं, जहाँ एक वो एक गैदरिंग करते हैं, सभा करते हैं, जहाँ लेनी भी जाती है। दूर से वो महात्मा गांधी से मिलती है, उसको उनको देखने का मौका मिलता है। फिर आगे घर आके वो उनकी बात करती है। फिर बड़ों की तरह लेनी भी सोचती है कि पता नहीं क्या होगा, जब अंग्रेज चले जाएंगे, भारत को छोड़ के चले जाएंगे, तो पता नहीं हमारे भारत का क्या होगा। ये सारी बातों को वो बड़ों के जैसे डिस्कस करने लगती है वो। और अक्सर वो क्या करती है, अपनी आया से पूछती है, कैसे कोई किसी कंट्री को तोड़ सकता है, क्या कोई कंट्री को तोड़ सकता है, क्या कोई कंट्री ब्रेक हो सकता है, कैसा ब्रेक होगा, अगर क्या होगा जब उसकी जो आया है उसका घर इस बंटवारे में दूसरे हिस्से में चला जाएगा, तो अपनी वो गॉड मदर के घर कैसे जाएगी, ऐसा पूछती है आया से वो। तो आया कहती है कि पता नहीं क्या होगा, लगता है अंग्रेज कोई एक बड़ी सी कैनाल बनाएंगे, बहुत बड़ी नहर बनाएंगे, और नहर के इस तरफ पाकिस्तान होगा और उस तरफ इंडिया होगा। इस तरह से वो अपने मतलब धुन में रहते हैं। फिर अलग-अलग एक मुस्लिम देश की मांग चल रही थी, पाकिस्तान बनने जा रहा था। लेनी नोटिस करती है कि जो पहले से जो बहुत ही प्यार से बहुत ही अच्छे से जो रह रहे हैं जो लोग थे, उनके में आपस में रिलीजियस डिफरेंसेस पैदा होने लगते हैं। वो आपस में एक दूसरे से शक की नज़र से देखते हैं। और जब ये नावल बिगिन होता है, शुरू होता है, तो हिंदू और मुस्लिम सिख बहुत ही ज़्यादा प्यार से रहते आ रहे थे, पीसफुली रहते आ रहे थे, एक दूसरे का इज्जत करते थे। लेकिन ये सब कुछ चेंज हो रहा था, सब कुछ बदल रहा था। उनके में एक शक की भावना आ गई थी, लोग एक दूसरे को दुश्मन मानने लगे थे, दूसरी कम्युनिटी को दुश्मन मानने लग गए थे। और जैसे अंग्रेज जो चाहते थे कि फूट डालो और शासन करो, इस जो पॉलिसी में पूरी तरह से वो सक्सेसफुल हो चुके थे। हालांकि भारत 1947 में आज़ाद हो गया था, करीब आ रहा था, और अलग अलग कम्युनिटी के बीच में लड़ाई शुरू होनी शुरू हो गई थी। अब ये जो उपमहाद्वीप है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, बंटने को तैयार था, और सबकी अपनी अपनी ओपिनियन थी, राय थी। लोग जो 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 गड़बड़ी थी कि जो लोग समझ रहे थे कि ये जो लीडर्स हैं, जो कांग्रेस है, मुस्लिम लीग है, अकालीस हैं, ब्रिटिश लीडर्स हैं, ये सारे के सारे को दोष मढ़ रहे थे कि ये सारा का सारा दोष इन्हीं लोग का है। हम लोग अभी तक पीसफुली रहते आ रहे थे, लेकिन इन्हीं लोगों की वजह से सारे झगड़े हो रहे हैं, ऐसा वो कह रहे थे। अगर ये लीडर्स हमको ना भड़काए तो सब कुछ ठीक हो जाए, ऐसा लोग ये भी डिस्कस कर रहे थे। इस पूरे घटनाक्रम में, इस पूरे समय में जो आया थी वो मशहूर राइस कैंडी मैन द्वारा उसको लुभाया जा रहा था, उसको वू करा जा रहा था, उसको लोग अट्रैक्ट कराना चाह रहे थे। लेकिन आया जो है मसूर को खूब पसंद करती है, मालिश वाले को, और इस बात से आइस कैंडी मैन बहुत नाराज हो जाता है, और एक तरह से वो बदला लेने को ठान लेता है कि इस मसूर को तो मैं मजा चखाऊंगा। इस तरह से जो जो मसूर है काफी मस्कुलर है और बहुत ज्यादा आया को चाहता है। फिर एक पठान है, चाकू तीखे करने वाला पठान है, जिसका नाम शरबत खान है। वो अफगानिस्तान से बादाम, पिस्ता और ड्राई फ्रूट्स लेके आता है और आया को गिफ्ट करता है, लेनी को भी गिफ्ट करता है। इस तरह उन लोग उसका ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ उसको गिफ्ट देते ही रहते हैं। तो इस बैकग्राउंड में, इस पॉलिटिकल बैकग्राउंड में ये कहानी चलती रहती है, लेनी के आसपास कहानी घूमते रहती है। लेनी अब जो रिलीजियस ग्रुप्स के बीच में बीच में टेंशन है को अच्छे से समझ पाती है। वो समझ पाती है कैसे इंडिया में तरह तरह के लोग रहते हैं, कैसे अलग अलग रिलीजन को बिलोंग करते हैं, और कैसे वो जानती है कि उसका जो कुक है, जो उसका रसोईया है, इमाम दीन, वो एक मुसलमान है, और आइस कैंडी मैन मुसलमान है, कैसे उसकी जो आया है हिंदू है, इस तरह से वो जान पाती है। फिर एक बार इमाम दीन के साथ वो उसके गांव घूमने जाती है। उसके गांव का नाम है पीर पुंडो, जो कि लाहौर से 40 मील दूर है। तो वहाँ जाती है उसके साथ घूमने, और वहाँ देखती है कि वो वहाँ पर सिख भी हैं, मुसलमान भी हैं, और काफ़ी अच्छे से वो एक पड़ोसी की तरह सदियों से रहते आ रहे हैं, बहुत ही अच्छे से उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग है। ये सब वो देखती है और काफ़ी खुश होती है वो। और उन लोग उस समय बहुत वायलेंस की अफवाह चल रही थी कि बंटवारा होने वाला है और हिंसा होने वाली है, लेकिन उन लोग आपस में एक दूसरे को प्रोटेक्शन देने का वादा करते हैं कि चाहे कुछ भी हो, बड़े बड़े शहर वाले तो अपने आप को झेल जाएंगे, लेकिन हम छोटे गांव वाले क्या कर पाएंगे, हमको तो अपने आपस में रहना है, एक दूसरे के साथ प्यार से रहना है, ऐसा वो बात करते रहते हैं। और इस तरह से
सब चीज़ें चलती हैं, लेकिन बाद में जो कंडीशन है इस गांव की, कंडीशन पूरी तरह से चेंज हो जाती है। और जो जो मेजोरिटी कम्युनिटी होती है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी पे हावी हो जाती है। और वहाँ एक राणा नाम का एक लड़का रहता है, जहाँ रानी, जहाँ उसकी लेनी की दोस्ती होती है। अब ये जो राणा है, ये उसके कुक इमाम दिन का ग्रैंडसन है, उसका पर पोता है, उससे उसकी काफी फ्रेंडशिप हो जाती है। राणा इसी के ही एज का लड़का है, लेनी के एज का। अब धीरे धीरे जो कम्युनल वायलेंस है शुरू होने वाला रहता है, शहर में सारी चीजें बदल रही थी लाहौर में। लेनी अपने आसपास के लोगों को देखने लगती है, रिलीजियस ग्रुप को देखने लगती है। कैसे वो देखती है कि अब वो जानती है कि उसकी जो आया है, सिर्फ आया नहीं है, वो एक हिंदू है। और कैसे जो उसका माली है, हरी है, वो एक हिंदू है। इमाम दीन और एक छोटे मोटे काम करने वाला यूसुफ जो है मुस्लिम है। आइस कैंडी मैन और मसूर, ये भी मुस्लिम है। जू कूपर शेर सिंह जो है वो सिख है। और हर ग्रुप के जो लोगों का जो कपड़े पहनने का जो तौर तरीका अलग है, खाने का ढंग अलग है, पूजा करने का ढंग अलग है, ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करती है वो। इसके पहले वो सबको एक समझती थी वो, लेकिन अब धीरे धीरे देखती है कि उनका बीच में डिफरेंसेस चालू हो रहे हैं और उनके बीच में एक शीत युद्ध शुरू हो जाता है। जैसे जैसे उन सम जो कम्युनिटीज़ के बीच में जो रिलेशन ख़राब होने लगते हैं, लेनी बहुत ज़्यादा मतलब अवेयर हो जाती है उनको जानने के लिए कि सब हो क्या रहा है। वो समझती है कि ये जो हवा है वो चेंज हो रही है। अब ये जो हवा में पहली वाली बात नहीं है, ये हवा जो है वो बदली बदली नज़र आती है उसे। अब जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, अब जो पॉलिटिकल और जो रिलीजियस नेता हैं, लीडर्स शहर का दौरा करते हैं और लोगों को, कुछ लोग उन लोग भड़काते हैं तो हिंसा भड़क जाती है। एक दूसरे के ग्रुप को भड़काते हैं, जो मुस्लिम होते हैं मुस्लिमों को भड़काते हैं, हिंदू हिंदू को भड़काते हैं। सारा ये नावल में लिखा है और ये कहानी बहुत ही सेंसिटिव नावल है, तो इस बारे में मैं कहना चाहूँगी कि इसको आप एक कहानी के जरिए देखें। सारा ये नावल का प्लॉट है, ये स्टोरी एक आइस कैंडीमैन की स्टोरी है जो बापसी सिद्धवा ने लिखी है, और ये सारा का सारा नावल के प्लॉट में है। जो लोग होते हैं आगजनी करने लगते हैं, एक दूसरे को जिंदा जलाने लगते हैं, घरों को जलाने लगते हैं, एक दूसरे को मारने लगते हैं। और ये जो सारा इंसिडेंट है, ये ऐसा कहती है वापसी सिद्धवा इंटरव्यू में कहती है कि सारा जो इंसिडेंट है, उसके बहुत सारा इंसिडेंट उसके रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है। उसने देखा था, उसने अपनी आंखों से देखा था, लोगों के घरों को जलते देखा था। और जब वो एक बार अपने किसी सर्वेंट के साथ घूमने जा रही थी, तो कैसे उसने बोरे में कटी हुई लाश देखी थी। तो ये सारा का सारा उसके माइंड में था, जिसमें जब वो इसने नावल लिखा तो उस अपने चाइल्डहुड एक्सपीरियंस को उसने डाला इसमें। 1947 में ब्रिटिश ने ऑफिशियली भारत छोड़ दिया और देश का विभाजन हो गया, भारत और पाकिस्तान में डिवाइड हो गया। रातों रात लाहौर पाकिस्तान नाम से एक देश बन गया, जिसका वो हिस्सा बन गया। लेनी ज़्यादातर चिंतित रहती थी कि अब उसका जो बर्थडे आने वाला है, लेकिन लोग उसके बर्थडे के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। लोग बात करते हैं पार्टीशन के बारे में, लोग बात करते हैं पॉलिटिक्स के बारे में, लेकिन बर्थडे के बारे में तो कोई बात ही नहीं करता। तो ये ऐसा सब सोचती है। फिर जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, काफ़ी सीरियस होने लगता है धीरे धीरे। अब जो हिंदू और जो सिख रहते हैं पाकिस्तान को छोड़ के भारत जाने लगते हैं, इसी तरह भारत में जो मुसलमान रहते हैं वो पाकिस्तान की तरफ आने लगते हैं। और जो लोगों का एक्सचेंज होने लगता है, इधर से उधर एक्सचेंज होने लगता है, जैसे आप देख रहे हैं कि ये ट्रेन में ओरिजिनल पिक्चर है, इधर जा रहे हैं अपने गठरी को बांध के, ये जो लोग अधिक संख्या में ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन के ऊपर तक बैठे हैं, ये रियल फोटोज है पार्टीशन की। तो सब कुछ बदलने लगता है। अब ये सारे चीज़ों की जो को देखती है लेनी, छोटी सी बच्ची देखती है और सीरियस होते हुए सिचुएशन को देखती है। अब दोनों साइड जबरदस्त कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, लोग एक दूसरे को मार रहे थे और कुछ लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, कुछ लोग सक्सेसफुल हो जा रहे थे, जो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे वो मारे जा रहे थे। स्पेशली वुमेन और जो बच्चों की कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। पुलिस सुपरिटेंडेंट, अचानक खबर आती है कि एक पुलिस सुपरिटेंडेंट रहते हैं लाहौर के, मिस्टर रॉजर करके, और वो मारे जाते हैं और उनके डेड बॉडी, म्यूटिलेटेड डेड बॉडी, जो छत
छत पे तर शव कहा जाता है वो गटर में मिलता है, तो लोग बहुत ही डर जाते हैं कि जिस जगह में अगर पुलिस ही सेफ नहीं है तो फिर लोग कैसे सेफ हो सकते हैं, ऐसा वो सोचने लगते हैं। फिर इस 3 महीने के दौरान 70 लाख मुस्लिम और 50 लाख हिंदू और सिख आबादी का एक्सचेंज होता है, लोग इधर से उधर जाते हैं। अब इस जब ग्रुप्स लड़ते हैं तो लेनी देखती है कि पूरे लाहौर में आग जली है, पूरी तरह से एक मैडनेस छाया हुआ है, पूरी तरह से एक पागलपन है, रिलीजियस फ्रेंजी है, पागलपन है। अब एक दिन भारत से मुस्लिम शरणार्थियों का, रिफ्यूजियों का एक जत्था आता है, ट्रेन में बैठ के आता है, और इस ट्रेन में आइस कैंडी मैन के जो सिस्टर भी रहती है, सिस्टर भी बैठी रहती है, तो उनको रिसीव करने के लिए आइस कैंडी मैन जाता है, ट्रेन में जाता है और रिसीव करने के लिए उनको, तो वो देखता है कि जो ट्रेन में जो लोग थे पूरी लाशों से, जो लोग थे जिंदा लोग थे अब वो जिंदा नहीं थे, पूरे के पूरे वो मर चुके थे, और उसमें उसकी जो बहन है वो भी शामिल रहती है, और इनकी जो लाशें बहुत ही विकृत अवस्था में है, बहुत ज़्यादा म्यूटिलेटेड बॉडीज है। तो जो आइस कैंडी मैन की जो पर्सनालिटी रहती है, जो हैप्पी गो लकी रहता है, वो पूरी तरह से वो चेंज हो जाता है, वो बदला लेने को ठान लेता है। अब वो सोचता है कि मैं सिर्फ एक इंसान नहीं हूँ, मैं एक कम्युनिटी को बिलोंग करता हूँ, और वो जिस कम्युनिटी ने मेरे मेरी बहनों के साथ ये किया है उसके साथ अब मैं बदला लूँगा। तो वो हिंदू और सिख में जो हमला करने वाले जो लोग रहते हैं, भीड़ रहती है, उनमें वो शामिल हो जाता है, और फिर वो इस तरह से उनकी जो प्रॉपर्टीज को लूटने लगता है और उनका मर्डर करने लगता है, इस तरह से पूरी तरह से चेंज हो जाता है वो। अब लेनी देखती है कि यहाँ तक कि आया के चाहने वाले जो पुराने जो दोस्त थे वो पूरी तरह से चेंज हो गए थे, और कैसे एक दूसरे के खिलाफ हो गए थे, एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे, हिंदू और सिख भारत जा रहे थे, और डर के मारे उसका जो माली था, हरी नाम का जो माली था, वो इस्लाम कन्वर्ट कर लिया था। अब उसका नाम हरी नहीं था बल्कि हिम्मत अली था, इस तरह से। अब आया का जो पसंदीदा जो जो एडमायरर था, एक तरह से लवर था, मस्कुलर मसूर करके, मतलब मसूर था, मसाज वाला था, और बहुत ज़्यादा हट्टा कट्टा था वो, और वो गली में एक दिन उसकी लाश मिलती है, उसकी कटी हुई लाश मिलती है, बोरे में लाश, उसको देख के आया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, उसको बहुत चाहती थी, और यहाँ तक कि मसूर ने कहा था कि मैं हिंदू बन जाऊँगा तुम्हारे लिए। तो आया बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेली पाती है। अब इसी बीच जो कार्रवाई चलते रहती है और जो चीज़ें चेंज होने लगती है, अब इस सेक्शन में एक जो गांव था पीर पिंडो गांव, जिसका पहले ही डिस्क्राइब किया गया था लेनी के द्वारा, इसकी घटना बताई गई है कि कैसे जो पीर पिंडो गांव है उसमें सिचुएशन है, तो उसमें उसका जो पीर पिंडो गांव में जो इमामदीन का गांव है उसमें राणा नाम का उसका ग्रैंडसन रहता है। इसमें क्या होता है इस गांव में कि उस समय के जो अत्याचारों का पता चलता है, कि कैसे गांव में जो लीडर रहता है, गांव का लीडर रहता है, वो लोगों को आश्वासन दिया रहता है कि कुछ नहीं होगा, तुम लोग के साथ कुछ नहीं होगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम लोग आपस में प्यार से रहेंगे, हम लोग नहीं लड़ेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जब मैडनेस छाता है, जब पॉलिटिकल मैडनेस छाता है, जब रिलीजियस मैडनेस छाता है, लोगों के ऊपर हावी होता है, तो सब कुछ बदल जाता है, और एक दूसरे की कम्युनिटी के लोग मारने लगते हैं, हिंदू मुस्लिम को मारने लगते हैं, मुस्लिम हिंदू को मारने लगते हैं। इस तरह से जो राणा का जो परिवार रहता है पूरी तरह से छत विच्छत हो जाता है, पूरे के पूरे मर जाते हैं, और सिर्फ जो राणा होता है वो बचता है, क्योंकि वो लाशों के ढोर में दबा रहता है, और उसकी महिलाओं के साथ, उनके जो वुमेन के साथ तो रेप होता है, छेड़खानी होती है, और मेन को मार दिया जाता है, बच्चों को भाले से मार दिया जाता है, इस तरह से तरह तरह की एट्रोसिटीज़ होती है, और ये एट्रोसिटीज़ वापसी से दुआ कहती है, एट्रोसिटीज़ दोनों तरफ होती है। अब एक एक जो घायल अधमरा बच्चा राणा है, किसी तरह से भागते भुगाते वो आता है, लाहौर आता है अपने जान को बचाकर, और वो उसके उसके चेहरे में निशान है, उसकी बॉडी में पूरे निशान है, क्योंकि उसके ऊपर भी हमला हुआ है, बस वो बचा था क्योंकि लाशों के ढेर में दब गया था। अब ये जो जो सारी जो कहानी है, इसकी बड़े लोगों की बातों को वो सुनती है, और ये सब जो सेक्शन है, ये कुछ कुछ सेक्शन है जो जिसमें
ये जो सारी कहानी को लनी ना बता के वापसी से दुआ बताती है, क्योंकि इसमें इतना ज्यादा वायलेंस था कि इस सेक्शन को लनी नहीं बता सकती थी, एक छोटी बच्ची नहीं बता सकती थी। कोई कोई सेक्शन है जो कि डायरेक्ट नरेटर कहानी को सुनाता है। अब स्टोरी क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ती है। क्या होता है कि ये जो भीड़, जो चारों तरफ जो मैडनेस छाया रहता है, उसमें एक गुस्साई भीड़ आती है, सेठी फैमिली की तरफ आती है, सेठी बंगलों की तरफ आती है जहाँ आया रहती है। अब आया सेठी नाम से जो जो उनका जो नाम था, उनका नाम तो था तो हिंदू नाम सोचते हैं लोग, सोचते हैं कि ये जो जो नाम है तो लगता है हिंदू लोग हैं। तो भीड़ होती है, अटैक करती है। और इस बीच आया जो है पाकिस्तान वो नहीं जाती है, वो डिसाइड करती है आया कि वो यहीं रहेगी और पाकिस्तान में रहेगी, पाकिस्तानी इसका घर है, वो नहीं जाती है। लेकिन जब जब भीड़ आती है तो लेनी को, लेनी और उसके जो बाकी जो फैमिली मेंबर्स रहते हैं वो आया को छुपा देते हैं। अब जब भीड़ अटैक करती है तो इमाम भीम घर को प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर आता है और वो गुस्साए हुए आदमियों से कहता है कि तुम लोग पागल हो गए क्या, ये तो हिंदू फैमिली नहीं है, पारसी लोग हैं, तुम इनके ऊपर अटैक करोगे क्या। जो पारसी लोग रहते हैं बिल्कुल न्यूट्रल रहते हैं, वो किसी तरफ नहीं रहते, ना हिंदू की तरफ ना मुसलमानों की तरफ, तो लोग इनके ऊपर कुछ अटैक नहीं करते रहते हैं। तो इस तरह से जो भीड़ है उन लोग के ऊपर अटैक नहीं करती। फिर कहती है तुम्हारे साथ तो एक हिंदू आया भी है, वो कहाँ है बताओ, उसका बताओ हिंदू आया कहाँ है। तो लोग कहते हैं, और इमाम दिन कहता है अरे वो तो कब का हिंदुस्तान जा चुकी है, वो कहाँ से आएगी, वो चली गई है अपने घर चली गई है। तो आइस कैंडी मैन उस भीड़ का हिस्सा रहता है, उस भीड़ से वो बाहर आता है, वही लीडर रहता है आइस कैंडी मैन दिलनवाज। और वो कहता है आया के, वो बोलता है लेनी के पास चुपके से जाता है वो, और कहता है कि लेनी बताओ तुम्हारी जो आया है कहाँ है बताओ मुझे। तो लेनी सोचती है कि आया आया को तो वो बहुत ज़्यादा पसंद करता है, आइस कैंडी मैन तो उसका एडमायरर है, तो उसके साथ कुछ बुरा नहीं करेगा। तो वो क्या बोलते हैं, वो बोलता देता है कि मेरी जो आया है वो छुपी है, उसको छुपाया गया, इस तरह से वो बता देती है। तो उसे, लेनी को पता ही नहीं था कि जो उसके जो भीड़ है इतनी, वो उसके साथ बुरा करेंगे। तो वो भीड़ है क्या करती है, उसको घसीटते हुए जो भीड़ उसको ले जाती है और उसको लेके उसको एक गाड़ी में बैठा देती है, और आया के साथ गैंग रेप होता है उसके, उसको प्रॉस्टिट्यूशन में धकेल दिया जाता है और बहुत ही बुरा होता है। इस तरह से जो अकेली महिलाओं के साथ ऐसा ही हो रहा था, सब तरफ ऐसा सलूक हो रहा था। और लेनी जो है गहरे अफसोस में डूब जाती है, उदासी में डूब जाती है, डिप्रेस्ड हो जाती है। उसने ये कभी सोचा ही नहीं था, कभी इमेजिन ही नहीं किया था कि अगर वो आया का पता बता देगी इन लोगों को और आइस कैंडी मैन को, तो आइस कैंडी मैन उसके साथ ऐसा बर्ताव करेगा, ऐसे ऐसा सलूक करेंगे। ये वो उस दिन सीखती है कि कोई अच्छी बात भी, कोई सही बात भी इतनी बुरी साबित हो सकती है, कैसे एक सच भी किसी इंसान की ज़िंदगी को बर्बाद कर सकता है, ऐसा वो सोचती है। और वो बहुत दुखी हो जाती है। वो हर पल पता लगाने की कोशिश करती है कि उसकी आया कहाँ है, और बहुत ही दुखी होने लगती है उसके बाद से। वो आया के जाने के बाद हमीदा नाम की एक मुस्लिम महिला रहती है, वो उसकी न्यू नानी बन जाती है। अब ये जो हमीदा नाम की जो महिला रहती है, वो भी जो वायलेंस की विक्टिम रहती है, वो जो शुरुआती दिनों में जो हिंसा हुई थी, हमीदा को भी किडनैप कर लिया गया था, उसके साथ रेप हुआ था और उसकी फैमिली ने उसे एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया था। तो उसे एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेज दिया गया था। लेनी के जो घर था उसके बगल में सिंह लोगों का घर था। सिंह जो हिंदू, जो सिख थे, तो उन लोग इंडिया चले गए थे, तो वो जो बंगलो था खाली हो गया था। तो उसको एक मेक शिफ्ट रिहेबिलिटेशन सेंटर बना दिया गया था, जहाँ इन विक्टिम महिलाओं को लाया गया था, उनको रखते थे और उनको खाना वाना दिया जाता था। तो ये जो बंगलों में हमीदा रहती थी, फिर बाद में उसको इस घर में ला दिया गया और उसको आया का काम दिया गया लेनी की मदर मिसेस सेठी के द्वारा। अभी जो सिचुएशन है पूरी तरह से चेंज हो चुकी थी। अब ये बासी सिद्धवा एक इंटरव्यू में कहती है कि ओरिजिनली जो उसका घर था, और लेनी का जो, बासी सिद्धवा का जो सरनेम था वो भंडारा था, और उसके साथ भी ऐसा ही इंसिडेंट हुआ था। और आया, उसके आया के बारे में तो वो नहीं कहती, बाकी कहती है कि उसकी फैमिली भी भंडारा थी, तो उसके घर में भी ऐसे लोग आ गए थे भीड़, और बाद में फिर उसके कुक के कहने से वो वापस गए। और वो कहती है कि, बाक्सुदवा कहती है कि उनके घर में भी एक रिहैबिलिटेशन सेंटर था
और वो ओरिजिनली उनके दुख दर्द को वो जानती थी। अब एक रात लेनी को जोर जोर से चीख की आवाज़ आती है, और महिला जो शिविर रहते हैं वहाँ से आवाज़ आती है, बहुत ही भयानक आवाज़, बहुत ही दर्दनाक आवाज़। अब लेनी बिस्तर से उठ जाती है, पूछती है अपनी आया से, पूछती है हमीदा जो उसके बगल में सोते रहती है, ये कैसी आवाज़ है, कैसी है, तो जानवरों की चीख की आवाज़ लग रही है। तो बताती है कि ये जो जो महिलाएं हैं वो चीख रही हैं, वो चीखेंगे नहीं तो और क्या करेंगी, चीखने के अलावा उनके पास है भी क्या, बोलती है। अब बताती है कि कैसे ये लोग फॉलन वुमेन है, विक्टिम वुमेन है, इनको गिरी हुई औरत कहा जाता है, और एक्चुअल में तो गिरी हुई नहीं है लेकिन एक गिरी हुई औरत कहा जाता है। तो ये बताती है कि कैसे इन लोगों को किडनैप कर दिया गया था, और बाद में इसके जो उन जो हस्बैंड और उनकी फैमिली ने उन्हें वापस लेने से इनकार कर दिया, तो इनको यहाँ लाया गया है, ऐसे बताती है वो। अब तो लेनी सोचती है, लेनी की गॉड मदर यह सारा चीज़ उसको बताती है, तो लेनी सोचती है कि तो सारा चीज़ गलत है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसमें उनकी क्या गलती, उनमें इन महिलाओं का क्या दोष है, तो इनोसेंट है, क्या वो खुद चाहेंगे कि उनका किडनैप हो जाए, उनके साथ रेप हो जाए, ऐसा चाहेंगे क्या, वो तो खुद नहीं चाहेंगे, सब बोलती है वो गॉड मदर से पूछती है। तो गॉड मदर कहती है कि कुछ जो इंसान होते हैं, कुछ जो आदमी होते हैं, वो नहीं चाहते कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं कि कोई दूसरा मैन उनको टच करे, इस वजह से उनको वो छोड़ देते हैं। तो ये सब कारण के बारे में बताती है, और तो बताती है कि तुम्हारी जो हमीदा जो जो आया है वो भी इसी कंडीशन से गुजरी हुई है, और इसीलिए तुम्हारी मम्मी ने हमेशा कहा है कि हमीदा को तुम्हारे साथ रखा है ताकि तुम्हारा किडनैप ना हो जाए, तो फिर अगर तुम्हारा किडनैप हो जाएगा तो तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। तो लेनी भोलेपन से कहती है कि ठीक है, कोई शादी नहीं करेगा तो कज़न शादी कर लेगा, उसका जो कज़न है वो तो उसका शादी कर लेगा, इस तरह से वो कहती है भोलेपन से। अब इस नॉवेल में बहुत सारी ट्रेजेडी है, बहुत सारी मतलब सटायर है और दुख दर्द है, लेकिन वापसी से दुआ चूँकि पारसी कम्युनिटी को बिलोंग करती है, पारसी कम्युनिटी काफ़ी फ़नी होते हैं, बहुत ही ह्यूमरस होते हैं, तो काफ़ी फ़नी मोमेंट्स भी है इस नॉवेल में, बहुत ही फ़नी ह्यूमरस अकाउंट्स भी हैं। तो हमीदा बच्चों को पार्क में लेके जाती है, अब जो न्यू आया है उसकी, और लेनी है, आदि है, कज़न है, सब के सब क्वींस पार्क में जाते हैं, वो क्वीन जो पार्क में जाते हैं लॉरेंस गार्डन करके वो गार्डन रहता है, और वो जो उस पार्क में पहले की क्वीन विक्टोरिया की बहुत बड़ी मूर्ति लगी थी, और वो जो क्वीन विक्टोरिया की जो मूर्ति थी वो प्रतीक था कि कैसे भारत देश जो है इसका गुलाम है, अंग्रेजों का गुलाम है, ये इसका प्रतीक था। लेकिन सब कुछ अब चेंज हो गया था, अभी हवा पूरी तरह से पलट चुकी थी। अब लेनी ऑब्जर्व करती थी कि ऑब्जर्व करी कि कैसे विक्टोरिया की जो मूर्ति हटा दी गई है, मतलब अब ब्रिटिशर्स का राज नहीं है यहाँ पर, अब ये न्यू पाकिस्तान है, और यहाँ पे सिर्फ उसे मुसलमान दिखते हैं, और जो हिंदू थे, सिख थे, जब वो दिखते थे तो उसे लगता है कि ये सब चमकीले कपड़े और रंग बिरंगे कपड़े उसे दिखते थे, जो कि अब नहीं दिखते, अब ज़्यादातर उसको वाइट कलर दिखता है और ब्लैक कलर दिखता है, और ये जो सब कुछ चेंज हो गया है। और बोलती है कि पहले के कंपैरिजन में जो आदमियों की संख्या ज़्यादा दिख रही है, महिलाएं तो एकदम गिनी चुनी हैं, और लोग लंबी लंबी दाढ़ियां हैं, लोग टोपी पहने हैं, ये छोटी बच्ची सारी के सारी चीज़ें ऑब्जर्व करती हैं, और ये ऑब्जर्व करती है कि लोग पार्क में पूजा कर रहे हैं, नमाज अदा कर रहे हैं इस तरह से। अब इन जो फॉलन वुमेन रहती हैं, फॉलन विक्टिम्स रहती हैं, जिनको पतित महिला या फिर फॉलन वही सब कहा जाता है, अब उनके परिवारों को सौंपने के लिए जो जो लेनी की जो मदर रहती है मिसेस सेटी, और उसकी इलेक्ट्रिक आंट रहती है और गॉड मदर रहती है, बहुत ही अच्छा रोल प्ले करते हैं इन लोग। इस नॉवेल में ऐसा बताया गया है कि कुछ महिलाएं हैं जो बहुत पूरी तरह से विक्टिम हैं, जो दर्द का शिकार हैं, और कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो इन दर्द से पीड़ित लोगों की मदद कर रही हैं, अपने जान पे खेल के मदद कर रही हैं। तो विक्टिम और सेवियर दोनों तरह की महिलाएं हैं। तो जो लेनी की जो फैमिली है वो सेवियर है, क्योंकि उनकी जो कंडीशन ऐसी है कि पारसी हैं, वो अमीर हैं, और वो किसी न्यूट्रल रिलीजन को बिलोंग करती हैं, तो इनके ऊपर अटैक नहीं हो रहे हैं, तो ये लोगों की मदद करने में व्यस्त हैं, नेबर्स की मदद कर रहे हैं, वह महिलाओं की मदद कर रहे हैं, और उसकी बिजली आंटी, गॉड मदर, तो कोशिश करते हैं और काफ़ी हद तक ये सक्सेसफुल होते हैं। और लेनी को उसकी एक गॉड मदर एक दिन कहती है कि तुम अपनी माँ से पूछो वो कहाँ घूमने जाती है, कहाँ वो दिन भर बिजी रहती है। तो फिर लेनी नोटिस करती है कि हाँ, मेरी माँ बिजी तो बहुत रहती है, अक्सर वो कार से बाहर जाती है
और गार्ड मदर फिर उसको बताती है कि तुम्हारी जो चाची है, बिजली चाची है, और तुम्हारी माँ है, वो विक्टिम महिलाओं की मदद कर रही है, और वो कैसे लोगों को महिला शिविर में ला रही है, यहाँ तक कि तुम्हारी आया की भी मदद करेगी, वो तुम्हारी हामिदा की मदद करी है, इस तरह से बताती है वो। तो लेनी जो होती बहुत ही भोली वाली बच्ची रहती है, बोलती ये गॉड मदर को तो कुछ मालूम ही नहीं है, मेरी मदर पता नहीं क्या किस डेंजरस काम कर रही है, मैंने देखा है कि वो पेट्रोल टैंक पेट्रोल कैन चुरा रही है, इस तरह से वो सोचती है। और ये गॉड मदर कह रही है कि वो लोगों की मदद कर रही है। एक्चुअल में क्या होता है कि जो लेनी की जो मदर रहती है मिसेस सेठी, तो उनको लोगों की मदद करने के लिए पैसे की भी ज़रूरत रहती है, तो पेट्रोल्स स्मगलिंग का भी काम करने लग जाते हैं कि पेट्रोल का स्मगल करने लगते हैं कि कैसे लोगों की किसी तरह से मदद कर सके। अब ये जो सारे चीज़ हैं, तो अब लेनी सोचती है कि मुझे तो पता है कि कैसे मेरी मदर ऐसा काम कर रही है, लेकिन इस बात को वो लेनी अपनी गॉड मदर को नहीं बताती। बोली एक बार मेरे से गलती हो चुकी है, अब दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है, बोलता है एक बार तो मैंने आया अपनी इस जो जो सच्ची भावना के जरिए मैंने आया को नुकसान पहुंचा दिया, इस बार अपनी मम्मी को मैं नहीं करने वाली हूँ, बोलती है नहीं बताती कुछ वो। अब एक बार इस बार क्या होता है, पार्टीशन और पाकिस्तान एक न्यू रियलिटी बन चुकी थी, अब पाकिस्तान नया स्टेट बन चुका था, नया नया कंट्री बन चुका था, बच्चों को चिंता होने लगती है कि उसकी आया की चिंता होने लगती है कि पता नहीं हमारी आया के साथ क्या हो रहा होगा, शांता के साथ, लेनी की मदर मिसेस सेठी और उसकी चाची विक्टिम महिलाओं की देखभाल करने में शामिल है, जो हिंसा के शिकार महिलाएं और उनकी फैमिली को रेस्टोर करने में। तो एक दिन जो कज़न रहता है, जो इलेक्ट्रिक आंट का बेटा रहता है, आया को बताता है कि उसने आया को देखा है, तो बोलती कहाँ देखा है बताओ बताओ, एकदम बेचैन हो जाती है लेनी जानने के लिए। लेकिन कज़न उसको थोड़ा सताता है, थोड़ा सताने के बाद बताता है कि मैंने देखा है तुम्हारी आया दो पतले पतले आदमियों के साथ जा रही थी, और जो आदमी सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, और वो ऐसे लग रहे थे कि जैसे शायर हो, ऐसे दिख रहे थे उन लोग, और तुम्हारी आया तो बॉलीवुड स्टार की तरह कपड़े पहने हुई थी, बहुत ही चमक धमक वाले कपड़े पहनी थी, एकदम शाइन कर रही थी, ऐसा करके बताता है वो। अब ये इसको जानने के बाद आया बहुत परेशान हो जाती है, और वो देखती है कि जो गॉड मदर है उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव है, तो गॉड मदर से जाके कहती है कज़िन ने ऐसा ऐसा बताया, प्लीज़ मेरी मैं आया को ढूंढने में मदद करिए करके वो बहुत रिक्वेस्ट करती है गॉड मदर से। तो गॉड मदर भी ठान लेती है कि हाँ मुझे आया को बचाना है। अब वो गॉड मदर के बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देने वाले रहते हैं, बहुत सारे स्पाइस रहते हैं, जासूस रहते हैं, उनसे उसे पता चलता है कि जो आया को रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में रखा गया है, रेड लाइट एरिया मतलब बदनाम गलियों में रखा गया है, ब्रोथेल एरिया प्रोस्टिट्यूशन वाले एरिया में। तो फिर वो कज़न बताता है कि अब तुम्हारी जो आया है वो नाचने वाली बन चुकी है, एक डांसर बन चुकी है, वो सिंगिंग करती है, वो डांसिंग करती है। फिर वो आगे बताता है कि वो रेड लाइट एरिया हीरा मंडी में डांसर है, जिसे डायमंड मार्केट कहा जाता है, और यहाँ लड़कियों को डायमंड के रूप में जाना जाता है, उन्हें डायमंड कहा जाता है, और उनको डांस करने के बदले में, सिंगिंग करने के बदले में पैसे मिलते हैं, और उनके बॉडी के साथ कुछ भी करने के लिए पैसे मिलते हैं, इस तरह से बताता है। लेनी छोटी बच्ची समझ नहीं पाती है कि जो कज़न है वो उसके मजे ले रहा है और उसको प्रोस्टिट्यूशन के बारे में बता रहा है। जी कज़न क्या करता है, कोई भी बहाना नहीं छोड़ता है लेनी को सताने में, लेनी का एक तरह से सेक्सुअल एडवांटेज लेने में। तो जो कज़न रहता है उसे डेमो देना चाहता है, बोलता है तुमको पता है मैं बताऊँ क्या होता है प्रोस्टिट्यूशन, इस तरह से वो कहता है, लेकिन लेनी गुस्सा हो जाती है और उसको दूर धकेल देती है। फिर इस तरह से वो बताता है, तुम्हारी जो कज़न बताता है तुम्हारी जो आया है उसके साथ लोगों ने क्या किया, तुम्हारी जो आया को तरह तरह के आदमियों ने, रेस्लर ने, पहलवानों ने, कुक ने, बिजनेसमैन ने उसके साथ क्या किया, इस तरह से बताता है। तो लेनी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, वो कभी सोची नहीं थी कि उसकी वजह से उसकी जो आया की स्थिति हुई होगी। अब वो इस तरह से बहुत ज़्यादा रोने लगती है वो। अब ये जो थॉट है उसको बहुत ज़्यादा परेशान करता है, उसको सोचने पे मजबूर कर देता है कि अच्छा तो ऐसा हुआ होगा मेरी आया को उन लोग गाड़ी में बैठा के ले गए थे करके, फिर वो रोने लगती है। आइस कैंडी मैन, अब पता चलता है कि जो आइस कैंडी मैन है उसने शादी कर ली है, आया से शांता से शादी कर ली है, और उसको उसका जो धर्म चेंज कर दिया है, उसको कन्वर्ट कर दिया है, इस्लाम में बदल दिया है, अब उसका नाम रखा गया है मुमताज। और उससे पहले तो वो बहुत महीने तक प्रोस्टिट्यूशन कराते रहा उससे,
और उसके बाद में आइस कैंडी मैन उससे शादी कर लेता है, उसको बदनाम गलियों में ले जाता है, कोठा में ले जाता है। और जो आइस कैंडी मैन है वो उसका जो अंदाज है पूरी तरह से चेंज हो जाता है, शायराना अंदाज का हो जाता है, अपने आप को जेंटलमैन की तरह दिखाने लगता है और आया को बहुत ही बेरहमी से ट्रीट करता है वो। और ये जो आइस कैंडी मैन है वो इस कोठे वाली का ही मतलब बेटा रहता है और पहले से इसी इलाके में पला बड़ा रहता है, तो इसी इलाके में वो जाता है। गॉड मदर एक बहुत ही पावरफुल लेडी है, जो गॉड मदर रोदाबाई है लेनी की, जो गॉड मदर अब वो सब चीज़ों को जानती है, जासूसों से मुखबिरों से पता लगाती है और वो सब कुछ पता लगाती है। एक दिन वो अपनी जो बहन से डिस्कस करते रहती है, कानाफूसी करते रहती है, तो लेनी सुन लेती है कि इन लोग मेरी आया के बारे में बात कर रहे हैं, आया को खोजने के बारे में बात कर रहे हैं, तो खुश होती है। फिर वो पूछती है, फिर इसी बीच क्या होता है कि जो आया है वो उसके जो 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 वायलेंस का विक्टिम राना रहता है उसको बोर्डिंग स्कूल में दाखिला कराती है, जीसस मैरी स्कूल में, मतलब एक कॉन्वेंट स्कूल में दाखिला कराती है। इस तरह से एक की लाइफ को सुधारती है, एक शरणार्थी बच्चा, रेफ्यूजी बच्चे को एक न्यू लाइफ देने की कोशिश करती है। और लेनी को बहुत अच्छा लगता है इस बात से। जो गॉड मदर आया की मदद करने को अब ठान लेती है, अब वो जानती है कि उसको आया का नाम मुमताज है। अब तो उसको वो जो ले आया रहती है, सॉरी गॉड मदर रहती है रोदा बाई, वो आइस कैंडी मैन को बुलाती है, अपने घर बुलाती है। अब वो एक शायर की तरह ड्रेस पहने रहता है, एक जेंटलमैन की तरह बिहेव करता है, शायरी सुनाता है और बहुत ही पोलाइटली बोलता है। और वो दावा करता है कि रुदाबाई मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ उसको, उस मैंने उसके प्यार के चलते, उसे प्रोटेक्शन देने के चलते उसे शादी की है। तो आया जो रुदाबाई रहती है बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है, बोलती है किस तरह का प्यार है जिसमें तुमने उसे प्रोस्टिट्यूशन में ढकेल दिया, उसको लोगों को तरह तरह के लोगों ने उसे सीवर की तरह इस्तेमाल किया और उसको कुचल दिया, ये किस तरह का प्यार है। तो बोलती है तुम कुछ प्यार व्यार कुछ नहीं है, तुम एक पिंप हो, तुम एक दलाल हो। इस तरह से खूब डांटती है, खूब उसका वो कचूमर बना देती है, कहने से डांट डांट के उसकी सारी पर्सनालिटी को। तो इस तरह से, लेकिन चुपचाप सुनता है आइस कैंडी मैन उसकी बात को, चुपचाप सुनता है, उसके साथ वो लड़ाई नहीं करता है और कहता है कि हाँ मुझसे गलती तो हुई है कहता है। और फिर आखिरकार उन लोग डिसाइड करते हैं कि कैसे वो जाएंगे उसके यहाँ, लेनिस के जो आया से मिलने जाएंगे। और इस बीच उन लोग की मुलाकात फिक्स होती है। अब पहले तो उनके साथ इलेक्ट्रिक आंट और बहुत सारे लोग जाए रहते हैं, लेकिन पता चलता है कि जो आइस कैंडी मैन के जो आया है वो पूरी तरह से अब चेंज हो चुकी है और वो लोगों से मिलना नहीं चाहती, लोगों को अपने चेहरा नहीं दिखाना चाहती, वो अपने आप को दोषी मानती इस तरह से। तो इलेक्ट्रिक आंट को वापस भेज दिया जाता है, लेकिन लेनी नहीं मानती। लेनी बोलती है मुझे तो अपनी आया से मिलना ही है, बोलती है मैं ले अब दौड़ के जाऊंगी, अपनी आया से लिपट जाऊंगी, मेरी आया मुझे बहुत प्यार करेगी, ऐसा बोलती है। और वो फिर गॉड मदर के साथ आया से मिलने जाती है बदनाम गलियों में, देखते हैं गली में नंगे पुंगे बच्चे घूमते रहते हैं, बहुत ही तंग सी गली रहती है, चारों तरफ गंदगी बिखरी रहती है और लोग वहाँ पर देखती है कि कैसे सज धज की लड़कियाँ खड़ी रहती हैं उस रास्ते में। लेनी देख के सब आश्चर्य में डूब जाती है। फिर आइस कैंडी मैन के घर जाती है, आइस कैंडी मैन आया को लेके आता है, बाहर लेके आता है। और आइस कैंडी मैन जब आया को वहाँ पर छोड़ के आता है तो आइस जो आया का हुलिया पूरी तरह से चेंज हो जा रहता है, वो घूंघट में रहती है, वो इस तरह से कपड़े पहने रहती है, चमक धमक के कपड़े पहने रहती है जैसे कि कोई प्रॉस्टिट्यूट हो इस तरह से। और जो रोदा बाई है वो कहती है कि अपना घूंघट हटा लो, तो अपना घूंघट हटाती है, तो देखते हैं कि वो पूरी बेजान हो चुकी रहती है, उसकी आंखों की सारी चमक खत्म हो चुकी रहती है, उसके जिस्म में रूह नहीं रहती है और जिंदा लाश लगने लगती है। उसको देख के लेनी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, वो बोलती है आया तो मुझे पहचान ही नहीं रही है। और फिर वो धीरे से बोलती है, आया धीरे से बोलती है कि मुझे जाना है, मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने फैमिली के पास जाना है। उसकी आवाज़ इतनी भर्राई रहती है, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में रहती है कि ऐसा लगता है कि उसको गला घोटा गया हो, उसको उसको आवाज़ को भी विकृत कर दिया गया हो, ऐसा लगता है इस तरह से। तो उन लोग बहुत ही परेशान
परेशान हो जाते हैं उसकी स्थिति देख के, इतना किसी के साथ बुरा हो सकता है करके। फिर वो कहती है कि आइस कैंडी मैन अभी फिलहाल तो उसकी देखभाल कर रहा है, उसे शादी कर चुका है, लेकिन वो आगे चल के इसके साथ रहना नहीं चाहती। तो जो गॉड मदर रहते हैं पहले तो उसको समझाने की कोशिश करती है, देखो बेटी तुम शादी हो चुकी है तुम्हारी, अब जो हुआ सो भूल जाओ, वो पार्टीशन का दौर था, उस समय सब कुछ हुआ, बुरा हुआ, बहुत लोगों के साथ बुरा हुआ, लेकिन वो जो दौर है अब गुजर चुका है, अब सब कुछ चेंज हो चुका है, तुम्हारा हस्बैंड है इस तरह तुम्हारा केयर कर रहा है। तो बोलती नहीं, जो कुछ हो चुका है उसको मैं कभी नहीं भूल सकती, बोलती जो कुछ हो गया उससे मैं बहुत आगे निकल चुकी हूँ, बोलती अब मैं जिंदा ही नहीं हूँ, बोली अब मैं जिंदा लाश हूँ, अब मुझे इसके साथ नहीं रहना है, मुझे अपने घर जाना है, और चाहे वो मुझे एक्सेप्ट करें चाहे ना करें मुझे घर जाना है। इस तरह से वो कहती मुझे इंडिया जाना है, मैं इंडिया को ही बिलोंग करती हूँ। इस तरह से गॉड मदर से वो भीख मांगती है कि मुझे किसी तरह से इस कोठे से निकाल लो, इस नरक से निकाल लो करके वो भीख मांगती है पैरों के नीचे आके। अब बोलती है कि ठीक है मुझे, तो आया को आश्वासन देती है गॉड मदर की, ठीक है मैं कोशिश करूँगी बेटी करके। फिर आखिरकार जो गॉड मदर रहती है पुलिस को इत्तला कर देती है कि ये कैसे रेड लाइट एरिया में प्रोस्टिट्यूशन का धंधा हो रहा है, कैसे लड़कियों को कैद करके रखा गया है, और फिर आया को छुड़ा लिया जाता है, और लेनी के घर के बाजू में जो रिहैबिलिटेशन सेंटर रहता है वहाँ पर कुछ समय के लिए आया को रखा जाता है। वहाँ का उसका पीछा करते करते आइस कैंडी मैन दिलनवाज वहाँ आ जाता है उसका पीछा करते करते, और एक घायल प्रेमी की तरह बिहेव करने लगता है वो, और आइस कैंडी मैन का वो पीछा करता है और उसका एक झलक पाने के लिए तरसता है, लेकिन आया उसको बिल्कुल नहीं देखती, आया आया के लिए अब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, आया उसको बिल्कुल नहीं जाना चाहती उसके पास। फिर एक दिन लेनी को सुनाई पड़ता है कि आया को इंडिया शिफ्ट कर दिया गया है, अमृतसर भेज दिया गया है उसके फैमिली के पास में, और एक नाहौल में एक आशा की किरण दिखाई देती है। फिर ये भी पता चलता है उसे कि आइस कैंडी मैन उसका पीछा करते करते एक पागल दीवाना का रोल करते करते वहीं पहुंच चुका है, और वो एक सूफी फकीर बन चुका है। इस तरह से ये सब पता चलता है। तो ये है आइस कैंडी मैन की कहानी। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल।